तो जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का स्पोर्ट्स यारी के लाइव सेशन पर। सीधा जुड़ रहे हैं हम इस समय आपके साथ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग लेकर, जहां पर एशिया कप के स्केड्यूल का, उसके डेट्स का आखिरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस समय एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा हो चुका है। हालांकि इससे पहले एशिया कप के वेन्यू और डेट्स को लेकर जो भी कुछ खबरें सामने आ रही थी, इसके अंदर सिर्फ ये सामने था कि रिपोर्ट्स के हवाले से हमेशा हर एक बात कही जा रही थी, लेकिन बिल्कुल अभी अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ऑफिशियल रिलीज दे दिया है अपना। जो ऑफिशियल रिलीज है वो भी आप सबको हम अभी जरूर दिखा देंगे, प्लीज उसको दिखा दिया जाए ऑफिशियल रिलीज को। जिस तरह इस रिलीज में लिखा हुआ है, मीडिया रिलीज जो कि आया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, वो आपको बता देते हैं। वहां लिखा हुआ है, वी आर डिलाइटेड, दिखा दीजिए उसको डबल स्क्रीन पर, वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट एशिया कप 2023 विल बी हेल्ड फ्रॉम 31 अगस्त टू 17th ऑफ सितंबर 2023 एंड विल सी द एलाइड टीम्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल कंप्लीट इन अ टोटल ऑफ 13 एक्साइटिंग ओडीआई मैचेस। The tournament will be hosted in a hybrid model with 4 matches being held in Pakistan and the remaining matches will be played in Sri Lanka. Uske niche likha hua hai, the 2023 edition will feature 2 groups with 2 teams from each group qualifying for the Super 4 stage. The 2 teams from the Super 4 stage will then face off in the final. We are looking to welcoming fans from around the world to witness the celebration of cricket at its best, the Asian Cricket Council, Dubai. आप दोनों फोटोज को 10-10 सेकंड पे चेंज करते रहेगा दत्त आप। लेकिन इस समय की बड़ी अपडेट जो आपको एक बार फिर से बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने आखिरकार ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसमें तारीखें और वेन्यूज जो हैं वो अब इसके अंदर अनाउंस कर दी जा चुकी हैं। एशिया कप की सबसे बड़ी ब्रेकिंग शायद, जिसका इस समय हम सभी को पूरी की पूरी बेसब्री से इंतजार था जी, कि एशिया कप 2023, जिससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, सब बातें रिपोर्ट्स के हवाले से कही गई थी, लेकिन बिल्कुल अभी जो है वो पूरी फाइनल कंफर्म अपडेट इस समय हम सभी के समक्ष आ रही है। जिस तरह से ये मीडिया रिलीज इस समय आप सभी को भी हम दिखा रहे हैं, ऑफिशियल मीडिया रिलीज इस समय जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा आया है, जिसमें लिखा गया है नितिन 31 अगस्त से 17 सितंबर तक इस बार का एशिया कप जो है वो खेला जाएगा। ये भी बात अब कंफर्म हो चुकी है, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। आखिरकार बहुत अच्छी खबर है ये कि जी आपको यहां पर सभी वो बड़े बड़े टीम्स देखने को मिलने वाली है। इंडिया रहने वाला है यहां पर आपके लिए, पाकिस्तान रहने वाला है, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब टीम्स का नाम यहां पर कंफर्म हो चुका है। लेकिन साथ ही में ये भी कंफर्म कर दिया गया है, जिस तरह आप यहां स्क्रीन पे भी पढ़ पाएंगे कि टूर्नामेंट को इस बार हाइब्रिड, पिछले पे आ जाइए, कि टूर्नामेंट को इस बार हाइब्रिड मॉडल के तहत, जहां पे आप इस समय नीचे पढ़ सकते हैं, द टूर्नामेंट विल बी होस्टेड इन अ हाइब्रिड मॉडल विद 4 मैचेस being played in Pakistan and the remaining 9 matches will be played in Sri Lanka. 2023 edition will feature 2 groups. दो ग्रुप रहेंगे, तीन तीन टीमों के दो ग्रुप होंगे। मोस्ट लाइकली अभी के लिए यही जताया जा रहा है, जिस तरह आप यहां पर पढ़ सकते हैं, द 2023 एडिशन विल फीचर 2 ग्रुप्स विद 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप qualifying for the Super 4 stage. The top 2 teams from the Super 4 stage will then face off in final. मतलब जिस तरह पिछली बार की एशिया कप में हुआ था कि इंडिया, पाकिस्तान, हांगकांग एक ग्रुप में थे, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश दूसरे ग्रुप में मौजूद थे, एक ग्रुप में से इंडिया और पाकिस्तान ने टॉप 2 पर खत्म किया था, दूसरे ग्रुप में से इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका और अफगानिस्तान ने खत्म किया था, फिर वो 4 टीमों का इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान का सुपर 4 में मुकाबला हुआ, श्रीलंका, पाकिस्तान वहां से फाइनल में गए और फाइनल को वहां से श्रीलंका की टीम ने अपने नाम पर कर लिया था। अभी के लिए ये कंफर्म नहीं किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा कि जी मुकाबले कहां पर, कौन सा मैच एग्जैक्टली खेला जाएगा, किस दिन को इंडिया और पाकिस्तान की वो बड़ी भिड़ंत होंगी, लेकिन इस समय के लिए डेट्स नितिन यहां पर हो चुके हैं कंफर्म, 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के दरमियान जो मोस्ट लाइकली ग्रुप्स हो सकते हैं, जो मोस्ट लाइकली लगता है कि इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल एक ग्रुप में, और सामने पाकिस्तान, श्रीलंका और आपके लिए सॉरी श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वो एक ग्रुप में। लेकिन नितिन ये सबसे खुशखबरी हम कहेंगे इस समय इंडिया, पाकिस्तान या फिर एशियन क्रिकेट के सभी फैंस के लिए कि आखिरकार वो एक फाइनल कंफर्म अपडेट आ चुकी है, जिसका हम सबको इंतजार था कि आखिरकार एशिया कप हो रहा है जिसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ही
यहाँ पर हिस्सा ले रही है, लेकिन ये बड़ा पॉइंट कि हाइब्रिड मॉडल को मतलब आखिरकार मंजूरी मिल गई है। नहीं बिल्कुल, शुरुआत से ही जब से एशिया कप की बातें जो है वो शुरू हुई है, पिछले एक दो महीने अगर आप खंगाल के देखें तो बहुत सारी चीजें हुई, जहां पर सबसे पहले हाइब्रिड मॉडल को ही प्रपोज किया गया था पीसीबी की तरफ से बीसीसीआई को, एसीसी को, कि हम हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप जो है वो कराना चाहते हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने मना कर दिया था कि इंडिया जो है वो एशिया कप के लिए नहीं आएगा, वहां पर हम अदर वेन्यू पर जाकर खेलेंगे, पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन अब आखिरकार आकर जो है वो बात पाकिस्तान की मान ली गई है कि एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो अपना लिया गया है, चार मुकाबले पाकिस्तान में होंगे और उसके बाद बचे हुए जो मैचेस होने वाले हैं वो होंगे श्रीलंका में। अब ये जो चार मैचेस हैं, क्या पाकिस्तान के चारों मुकाबले वहां पर होंगे या बाकी के अलग चार मैचेस होंगे अलग अलग टीमों के, वो उसका अभी वेन्यू उसका अभी जो है खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन बाकी के इंडिया के सारे मुकाबले जो हैं वो तो श्रीलंका में होने वाले हैं, चार मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होने वाले हैं। खुशखबरी आ गई है, क्योंकि पहले जो लगातार बातें हो रही थी कि यार क्या एशिया कप होगा, क्या पाकिस्तान हिस्सा लेगा, क्या इंडिया हिस्सा लेगा या नहीं लेगा, अगर पाकिस्तान पाकिस्तान हिस्सा नहीं लेगा तो फिर कैसा एशिया कप होगा, क्या मल्टीनेशनल रहेगा। लेकिन फिलहाल जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, ये एक कंफर्म्ड अपडेट जहां पर डेट्स और वेन्यूज आखिरकार एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका जो सबसे जरूरी ऐलान था वो जरूर आ गया है, जहां पर 2023 का एशिया कप अब आखिरकार खेला जाएगा हाइब्रिड मॉडल के अंदर। पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट मंजूरी जो है वो मिल चुकी है, जिसके अंदर अब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल जो है वो कुल मिला के 13 ओडीआई मैचेस जो है वो इसके अंदर रहने वाले हैं। मतलब हर एक टीम पहले अपने ग्रुप के अंदर दो मैचेस खेलेगी, फिर सुपर फोर में आप जाके जो है वो तीन मैच खेलेंगे, तो मतलब कम से कम हर एक टीम पांच मैचेस जरूर खेलेगी। जो टीमें टॉप सुपर फोर में आपकी जाएंगी और जो टीम फाइनल तक जाएंगी वो दो टीमें छह छह मुकाबले खेलने वाली हैं। कहीं ना कहीं ना ये बात जरूर कंफर्म हो रही है यहां से कि जो इंडिया के मैचेस हैं वो श्रीलंका में ही होंगे, क्योंकि जो बड़ा बवाल हमेशा से मच रहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाला है, मोस्ट लाइकली अब ऐसे लग रहा है, क्योंकि नजम सेठी साहब की जो प्रपोज हाइब्रिड मॉडल था उसमें नजम सेठी साहब ने भी यही बात को जो है वो बार बार कहकर कंफर्म किया था कि जी हम यहां से ये एक पॉइंट अपने साथ जरूर आगे लेकर जाएंगे कि शुरुआत के आप कुछ मैचेस यहां पर करवा लें, उसके बाद जो है आप श्रीलंका चले जाएंगे सारा लॉजिस्टिकल सारा सामान लेकर। लेकिन इसके अंदर बड़ा पार्ट यह है कि अगर शुरुआत के चार मैचेस पाकिस्तान में होंगे तो हाले सूरत के अंदर जो पॉइंट रहने वाला है कि पाकिस्तान तो हद से हद सिर्फ नेपाल वाला मैच खेल पाएगा अपने घर पे, अगर कहीं इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल को ग्रुप में रखा गया, क्योंकि अगर आप शुरुआती चार मैचेस करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान और नेपाल का मैच आप करेंगे पाकिस्तान में, बाकी के अफगानिस्तान बांग्लादेश, अफगानिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश और श्रीलंका जो दूसरे ग्रुप के तीनों मैचेस होंगे, अगर ग्रुप इसी वे में फॉर्म होते हैं जो मोस्ट लाइकली बताया जा रहा है, तो उसके बाद आप इस एक एंगल को भी नितिन जरूर देखेंगे कि शायद पाकिस्तान और नेपाल का मैच हो, या फिर पाकिस्तान के मैचेस और ज्यादा पाकिस्तान में करने के लिए शायद इस बार ग्रुप्स में कोई परिवर्तन हो जाए, जिसके चलते इंडिया और पाकिस्तान का मैच शायद फिर इस बार ग्रुप स्टेज में ना नहीं। देखिए अगर देखो मैचेस जो है अगर एशिया कप हो रहा है तो इंडिया पाकिस्तान तो सेम ग्रुप में होंगे, इसमें तो कोई ज्यादा सोच विचार करने वाली बात नहीं है। हाँ पीसीबी ये जरूर बोल सकता है कि यार एशिया कप हो रहा है, हम होस्टिंग नेशन है, लेकिन अब चलो हमने जॉइंट नेशन अपना एशिया कप चुन लिया, हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, लेकिन हमारे अपनी आवाम के लिए पीसीबी बोल सकता है एसीसी को कि अपनी आवाम के लिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के दो मैचेस हो जाएं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो एशिया कप की जहां तक बात आती है, इनफैक्ट अगर वर्ल्ड कप की भी बातें होती हैं तो इंडिया पाकिस्तान को अलग ग्रुप्स में रखा ही नहीं जा सकता। अगर जिस तरीके से ग्रुप ये होता है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, तो वहां पर देखिए पाकिस्तान को दो मैचेस खेलने, इंडिया के साथ खेलना और एक नेपाल के साथ वहां पर खेलना है। अब इंडिया वाला मैच तो वहां पर हो नहीं सकता है, पाकिस्तान में इंडिया वाला मैच तो जो है वो श्रीलंका में ही हो सकता है, तो ऐसे में पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला बचा नेपाल के साथ जो पाकिस्तान में खेला जाएगा, और उसके बाद जो है दूसरे ग्रुप के सारे मैचेस को लगभग हम पाकिस्तान में कि मोस्ट लाइकली ग्रुप्स ऐसे बनने वाले, वरना ग्रुप्स में कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि दो ग्रुप्स बनेंगे। दूसरे अगर आप आदित्य पेज पर आ जाओ तो वहां पर ये मेंशन किया गया है कि दो ग्रुप्स बनेंगे, उसके बाद जो दो टॉप टीमें रहेंगी हर एक ग्रुप में वो सुपर फोर में जाएंगी, और सुपर फोर के पॉइंट टेबल में जो दो टीमें टॉप पर रहेंगी वो टीमें उसके बाद जो है वो सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएंगी फाइनल के लिए। बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो पिछले साल के एशिया कप में रहा था, बस
20 ओवर से इस बार आप 50 ओवर का खेल खेलने वाले हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है जी वो इस बार का एशिया कप रहने वाला है, ये एक बड़ा अपडेट जो आप सभी को जरूर बता दें। हालांकि इस समय भी एशिया कप चल रहा है, अब इस समय भी एशिया कप चल रहा है, वो एशिया कप इमर्जिंग का चल रहा है। इंडिया का परफॉर्मेंस वहां पर काफी अच्छा जा रहा है, अगर हम वहां पर जो है वो जरूर बात कर लें। इंडियन प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, भला वो श्रियांका पाटिल का वो फाइफर हो जो उन्होंने कुछ दिन पहले लिया है, ऐतिहासिक वो फिगर्स हमें कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिले थे। पर एशिया कप शुरू एक हो रहा है जी 31 तारीख को, ये बात कंफर्म है। बाकी ब्रीफ जो इसका रहने वाला है, कि ब्रीफ रहने वाला है जो कि एग्जैक्टली कौन सा मैच कब खेला जाने वाला है, वेन्यू कौन सा कब रहने वाला है, अब इंडिया पाकिस्तान का वो इंपॉर्टेंट मैच क्या इस बार ग्रुप में होगा या नहीं होगा, ग्रुप्स एग्जैक्टली कैसे रहेंगे, क्योंकि मोस्ट लाइकली तो यही एक पॉइंट है कि एक ग्रुप होगा इंडिया पाकिस्तान नेपाल, दूसरा अफगानिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका, ये दो अलग अलग जो है वहां पर ग्रुप्स रहने वाले हैं। अब इसके अंदर बड़ा अपडेट जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ जरूर शेयर कर देंगे। हालांकि सामने से ये भी खबर आ रही है कि आईसीसी जो है वो वर्ल्ड कप का भी स्केड्यूल उसका ऐलान कभी भी जल्द ही कर सकता है, जैसे ही उसका स्केड्यूल आता है ऑफिशियल वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हालांकि ड्राफ्ट स्केड्यूल जो आया है उसको लेकर भी बात हमने ऑलरेडी आपके साथ काफी मर्तबा कर ली है, पर एक्साइटमेंट इस बात की आप लोग नितिन जरूर बना के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं, वो कोई भी अब मसला जो था खत्म हो गया। हालांकि ये भी एक रिपोर्ट है कि इसीलिए बीसीसीआई ने या फिर एसीसीए ने आखिरकार हाइब्रिड मॉडल को सेट किया है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वे आउट भी नहीं था, क्योंकि अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हो तो आप वो कहेंगे नहीं भाई ये वो एशिया कप हुई क्यों रहा है। नहीं, बिल्कुल मजबूरी में, अब देखो दोनों तरफ से मजबूरी थी। अगर आप पाकिस्तान को सोचे तो पाकिस्तान को एशिया कप हर हालत में कराना ही था, क्योंकि वो होस्टिंग नेशन भी था और एशिया कप तो होना ही चाहिए, हर साल एशिया कप होता है। लेकिन वहीं अगर आप देखें इंडिया के लिए, अगर पाकिस्तान नहीं आता, अगर देखो घूम फिर के बात जो है एक पॉइंट पर आ जाती है कि रेवेन्यू के ऊपर आ जाती है। अब आप देखें एशिया कप में अगर पाकिस्तान नहीं आता तो आप क्या वो एशिया कप कराते, कि फिर या वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता जहाँ पे बांग्लादेश होती, श्रीलंका होती, तो वो जो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी देखने के लिए लोग आते हैं, जिसके लिए दुनिया भर से, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग नहीं, दुनिया भर के लोग जो है इंडिया पाकिस्तान का, चाहे एशिया कप में मैच हो या फिर मैच वर्ल्ड कप में हो या किसी भी फोरम पर मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, उसे देखते जरूर है। तो दोनों तरफ से जो है वो मजबूरियां थी, इसीलिए हाइब्रिड मॉडल को जो है वो अपनाना पड़ा। हालांकि बीसीसीआई ने बहुत कोशिश की कि कोई और रास्ता निकल आए, हाइब्रिड मॉडल को भी हमने पहले ठुकरा दिया था, हमने राइट ऑफ कर दिया था एक तरीके से कि हम तो कोई बात आपकी मानेंगे नहीं, राजी नहीं होंगे, लेकिन अंत में आकर मानना पड़ा और ये ठीक बात है। चार मैचेस अब इसमें देखिए, ना तो पाकिस्तान के लिए कोई नुकसान है क्योंकि चार मैचेस उनके घर में भी हो रहे हैं, बाकी जो है वो नौ मैचेस श्रीलंका में भी हो रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है वहां पर। इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हमें श्रीलंका में देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ अब ये जो एग्जैक्ट स्केड्यूल आएगा कि कौन से मैचेस कहाँ होंगे, वो और सूरज कौन से ग्रुप से फाइनल किस तरह से रहने वाले हैं, उसका इंतजार जरूर रहेगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट था जी आप सभी के लिए, मीडिया रिलीज जो ऑफिशियली एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से रिलीज की गई है, जहां पर बताया जा रहा है कि 31 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक जो है वो एशिया कप 2023 होने वाला है। 6 टीमें इंडिया पाकिस्तान के समेत पार्ट लेने वाली हैं, श्रीलंका बांग्लादेश अफगानिस्तान और नेपाल। पहले के जो आपके शुरुआत के 4 मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में और 9 मुकाबले श्रीलंका में, फाइनल भी श्रीलंका में जो है वो खेला जाने वाला है। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, क्या कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट और कितने खुश हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, जरूर दीजिएगा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्पोर्ट्स यारी के चैनल को, और जाने से पहले प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा इस पैकेज को। अभी के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद जय।